मूवी की लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हेलो, नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू और आज मैं आपको अरदास करा मूवी का एक नया रिकॉर्ड बताने वाला हूँ कि मूवी ने एक नया कौन सा रिकॉर्ड बनाया है। तो इस वीडियो में मैं आपको अरदास करा मूवी के ओवरसीज़ के यानी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कलेक्शन बताऊंगा, फर्स्ट 3 डेज़ का, फर्स्ट वीकेंड का, और ये भी बताऊंगा कि मूवी ने जो ये रिकॉर्ड बनाया है, वो कौन सा रिकॉर्ड है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इंटरेस्टिंग न्यूज़ देता रहता हूँ उस चैनल पर, वो चाहे बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट हो, चाहे मूवी के बारे में रिपोर्ट हो, एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट हो, तो सभी रिपोर्ट्स मैं इसी चैनल पर आपको बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो नया रिकॉर्ड मूवी ने जो बनाया है वो है हाईएस्ट ग्रॉसिंग वीकेंड ऑफ पंजाबी सिनेमा 2019। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अरदास करा जो मूवी है वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवी है और बैरियर ब्रेकिंग मूवी है। आपको पता है कि अभी तक जितनी भी पंजाबी मूवीज रिलीज होती थी, कॉमेडी मूवीज ज़्यादातर ऐसी होती थी जो कि धमाकेदार कलेक्शन करती थी, लेकिन अब अरदास करा ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो बैरियर तोड़ दिया है और ये मूवी अब सभी जगह, इंडिया में भी और ओवरसीज़ में भी धमाकेदार कलेक्शन कर रही है। मैं बता दूँ, ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग वीकेंड बन चुका है पंजाबी सिनेमा का 2019 का, वो भी कैनेडा में और न्यूजीलैंड में। कलेक्शन की बात की जाए तो जैसा आप देख रहे हैं, कैनेडा में मूवी ने 3,63,176 कैनेडियन डॉलर का कलेक्शन किया था फर्स्ट वीकेंड में। सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, इसका इंडियन रुपीस भी बताऊंगा अभी कि इंडियन रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल कलेक्शन बता लूँ। ऑस्ट्रेलिया में मूवी ने कलेक्शन किया 2,78,561 यूएस डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है ये यूएस डॉलर नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। बात की जाए न्यूजीलैंड की, तो मूवी ने न्यूजीलैंड में कलेक्शन किया 90,707 न्यूजीलैंड डॉलर। ये जो मूवी है ये इन तीनों जगह में भी, यानी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन कर रही है। अब मैं आपको बता दूं कि जो मूवी का कन्वर्जन अगर आप करेंगे इस कलेक्शन का इंडियन रुपीस में, तो कैनेडियन डॉलर से इंडियन रुपीस में, तो कनाडा में मूवी ने 3,63,176 डॉलर का कलेक्शन किया था कैनेडियन डॉलर, और इसे कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 2,50,00,000 इंडियन रुपीज़, यानी भारतीय रुपए, 2,50,00,000 भारतीय रुपए। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में मूवी ने कलेक्शन किया था 2,78,561 यूएस डॉलर, अगर आप इसे भी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे भारतीय रुपए में तो ये होगा 1,34,00,000 भारतीय रुपए। वहीं न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड में मूवी ने कलेक्शन किया था 90,707 न्यूजीलैंड डॉलर, अगर आप इसे भी कन्वर्ट करेंगे भारतीय रुपए में इंडियन रुपए में तो ये होगा 42,10,000 भारतीय रुपए। तो आप देख सकते हैं कि मूवी ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही अच्छा कलेक्शन कर रही है, इंडिया से अच्छा कलेक्शन मूवी ओवरसीज़ में कर रही है और धमाकेदार कलेक्शन कर रही है। अभी इस कलेक्शन में यूएसए का कलेक्शन ऐड नहीं हुआ है और यूके का कलेक्शन ऐड नहीं हुआ है ओवरसीज़ का, तो आप ये मत समझना कि इन्हीं तीन देशों में ये मूवी रिलीज़ हुई थी, ऐसा नहीं है। इन तीन देशों में इस मूवी ने रिकॉर्ड बनाया है फर्स्ट वीकेंड का। तो इसी तरह से मैं आपको एक्साइटेड न्यूज़ देता रहूँगा पंजाबी सिनेमा की इसी चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।